सिलचर तिरुवनंतपुरम सुपरफास्ट एक्सप्रेस की 3 बोगियों में रविवार सुबह आग लग गई। यह ट्रेन सिलचर से प्रस्थान करने वाली थी और उससे पहले पिट लाइन पर खड़ी थी। आग लगने के बाद ट्रेन से धुएं का गुब्बारा उठता दिखा गया, जिससे आसपास के यात्रियों में दहशत फैल गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। चश्मदीद लोगों के मुताबिक पहले एक बोगी से आग की लपटें उठती दिखाई दी थी, लेकिन बाद में इसने कई बोगियों को अपने चपेट में ले लिया। आग की लपटें काफ़ी ऊंची थी, जिसे देखकर यात्री इधर उधर भागते देखे गए। आग लगने का कारण क्या है, इसके बारे में स्टेशन प्रशासन ने शुरू में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। हिलरी क्लिंटन के सबसे छोटे भाई टोनी रोधम का निधन हो गया है। वह 65 साल के थे। अमेरिका की पूर्व सीनेटर, पूर्व प्रथम महिला और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रह चुकी हैं। क्लिंटन ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी साझा की है। मौत के कारणों के बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। क्लिंटन ने अपने भाई को दयालु और हंसमुख बताते हुए कहा कि उसके ठहाकों से सब गूंज उठता था। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि टोनी की मृत्यु कैसे हुई है। टोनी के परिवार में पत्नी मेगन और 3 बच्चे जैक, सिमोन और फियोना हैं। टोनी रोधम का जन्म 1954 में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलह ने भारत द्वारा निर्मित तटीय निगरानी रडार प्रणाली और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के प्रशिक्षण परिसर का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए व्यापक वार्ता भी की। इस रडार प्रणाली का उद्घाटन काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि चीन हिंद महासागर में अपनी समुद्री रेशम मार्ग परियोजना के लिए मालदीव को महत्वपूर्ण मानता है। दुबई में बस हादसे में मरने वाले 12 भारतीयों में से 11 के शव रविवार को भारत भेज दिए गए और 12 वर्षीय एक अन्य भारतीय का यहां खाड़ी अमीरात में अंतिम संस्कार कर दिया गया। ओमान से दुबई पहुंची बस बृहस्पतिवार को निषिद्ध लेन पर चले जाने के कारण एक संकेतक से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे में 12 भारतीयों सहित 17 लोगों की मौत हो गई थी। बस में सवार ज़्यादातर लोग ईद की छुट्टी मनाने ओमान से संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE पहुँचे थे। शवों को वापस भेजने के लिए उड़ान प्रबंधन से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि अंतिम 3 शवों को एयर इंडिया के विमान से मुंबई भेजे जाने के साथ ही 11 शवों को भारत भेजने का काम पूरा हो गया है। उड़ान रविवार तड़के 3:30 बजे रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के PM इमरान खान के बीच शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन के दौरान अनौपचारिक बातचीत हो सकती है। किर्गिस्तान के शहर बिशकेक में 13 और 14 जून को SCO का शिखर सम्मेलन होने वाला है। हालांकि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह की औपचारिक बातचीत की कोई संभावना नहीं है, लेकिन मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पड़ोसियों के बीच अनौपचारिक बातचीत की संभावना नज़र आ रही है। इधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अब तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता की कोई संभावना नहीं है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान ने लगातार कोशिश कर रहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सहज हो, लेकिन भारत का मानना है कि जब तक पाकिस्तान आतंक को प्रश्रय देता रहेगा, बातचीत का कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 1.5 दशक बाद सत्ता में लौटी है और कांग्रेस की इस सफलता में आदिवासी वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन पार्टी के पास एक भी ऐसा आदिवासी चेहरा नहीं है जिसकी पहचान पूरे प्रदेश में हो और उसके सहारे वह अपनी राजनीतिक जमीन को तैयार कर सके। लिहाजा पार्टी ने आदिवासी नेता की तलाश शुरू कर दी है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार पार्टी लोकसभा चुनाव में हार के बाद आदिवासी मतदाताओं को अपने साथ जोड़े रखने के लिए किसी सर्वमान्य आदिवासी नेता की तलाश कर रही है। कांग्रेस के भीतर से आदिवासियों को महत्व देने की मांग उठी है। राज्य के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने गृह मंत्री बाला बच्चन को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के परोक्ष रूप से मांग कर डाली। वह बच्चन को अनुभवी नेता बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में जिला प्रशासन ने अदालत के आदेश के बाद गोवर्धन के प्रमुख दानघाटी मंदिर के खजाने को सील कर कंप्यूटर कक्ष को बंद कर दिया है। जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर की है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमर सिंह ने मंदिर के प्रबंधक रहे डालचंद चौधरी की याचिका पर मंदिर कोषागार को सील करने का आदेश दिया। याचिका में डालचंद चौधरी का कहना था कि संबंधित कक्ष में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ की धनराशि और उपहार मौजूद हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए उक्त कक्ष को सील किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने इससे संबंधित पक्ष जानने के बाद सील करने के लिए आदेश दे दिए हैं। डायरेक्टर राज खोसला दशकों तक अपनी फिल्मों से दर्शकों को दीवाना बनाते रहे। उनके काम से गुरुदत्त इतने खुश हुए थे कि उन्हें गिफ्ट में कार दे डाली। सफल डायरेक्टर्स की लिस्ट में शुमार राज खोसला सिंगर बनना चाहते थे। इसके लिए वॉइस टेस्ट भी दिया। उन्हें सिर्फ इसलिए मौका नहीं दिया गया कि वे इंडस्ट्री में नए थे,
राज खोसला का जन्म पंजाब के लुधियाना में 31 मई को हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने लगभग 4 साल तक राज किया और 9 जून को दुनिया को वे अलविदा कह गए। राज खोसला देवानंद के दोस्त थे। देवानंद ने राज को इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए भरपूर मदद की। देवानंद और राज खोसला को लेकर सबसे चर्चित किस्सा यह है कि देवानंद ने राज को फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक दिलवाया और राज की वजह से ही देवानंद को बतौर एक्टर पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। पाकिस्तानी एक्ट्रेस सजल अली ने अपने बॉयफ्रेंड अहदा रजा मीर से सगाई कर ली है। सजल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक तस्वीर शेयर करके इस बात की जानकारी सार्वजनिक की। सजल ने फिल्म मॉम में दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की सौतेली बेटी की भूमिका निभाई थी। बॉलीवुड में यह उनकी पहली फिल्म थी। बात करें सजल और अहद की तो तस्वीरों में दोनों एक दूसरे के सिर से सिर जोड़े नजर आ रहे हैं। कैप्शन में सजल ने लिखा है कि एक नई शुरुआत है, आज मैं बहुत खुश हूँ, ये ऐलान करते हुए कि हमारे परिवारों के आशीर्वाद से हमारी सगाई हो गई है। हमारा ये खास दिन परिवार वालों, दोस्तों और फैंस के प्यार और आशीर्वाद से खास हो गया है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।